अप्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने बुजुर्गों को कड़ी राहत दी है। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों को अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज की कमाई कर कटौती TDS से छूट मिल सकती है। यह छूट 5 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य इनकम वाले बुजुर्गों को मिलने वाली है। इससे पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपए तक थी। CBDT ने बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए फॉर्म 15H में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। CBDT के संशोधन में कहा गया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 87A के तहत दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए जिन टैक्स पेयर्स की टैक्स देनदारी शून्य है, बैंक और वित्तीय संस्थान अब ऐसे करदाताओं से फॉर्म 15H स्वीकार कर सकते हैं। 60 साल से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष की शुरुआत में फॉर्म 15H भरकर देना होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ब्याज आय पर कोई टैक्स कटौती नहीं की जा सकती। बता दें, वर्ष 2019-20 के बजट में 5 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य कमाई वाले व्यक्तिगत करदाताओं को टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। इसका लाभ 3 करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को मिलेगा। दरअसल 2019-20 के बजट में 5 लाख रुपए सालाना की आय रखने वालों को आयकर की धारा 87A के तहत टैक्स छूट को 2500 रुपए से बढ़ाकर 12500 रुपए कर दिया गया था। इसमें 5 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य आय वाले कर देनदारी से मुक्त हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।